फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों सबको सबसे पहले हैप्पी दशहरा। और जैसा कि आज जो है दशहरा हो चुका है, तो अभी तक हम लोग सेंधा नमक खा रहे थे। अगर आप लोग को पता होगा तो सेंधा नमक रॉक साल्ट होता है शायद, इंग्लिश आइडिया उतना नहीं है। तो आज जो है ऑलरेडी जो है एक्चुअली घर में रोटी बना था, लेकिन सब्जी कुछ ला नहीं पाया था मैं, इसीलिए जो है आज जो है बाहर से ही हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया। तो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कैसा है सब्जी और क्या है। तो ये दो रंग का सब्जी हम लोगों ने ऑर्डर किया है, तो वन बाय वन आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको खोलो तो मैं भी नहीं हूँ पापा। ओके, तो दोस्तों एक जो है कढ़ाई पनीर है और एक जो है मला, मैं नाम ही भूल गया। इतना अच्छा नहीं है जितना इसका अच्छा रहता। एक्चुअली ये दूसरे रेस्टोरेंट से आज हम लोग ने मंगवाया है, क्योंकि जहाँ से मैं एक्चुअली प्रीफर करता हूँ लाना ना, वहाँ आज जो है एक्चुअली नाश्ता ही चल रहा था। मैं गया सब्जी लाने, तो उन लोगों ने बोला 1:30-2 बजे के बाद सब्जी मिलेगा, इसीलिए जो है ये देख सकते हो आप, एक तो कढ़ाई पनीर और एक साइड कुछ और है, मैं नाम भूल गया बेटा। वहाँ पेपर फेंक दिए। अच्छा, नाम दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो देख लीजिए। उतना अच्छा मुझे ये नहीं रहा, रेस्टोरेंट का नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सब कुछ शेयर करूंगा। हाँ, और इधर बेटी की भी वीडियो बनवाने के लिए रेडी है। सबसे पहले बोल दो हेलो दोस्तों। मैं तो पैंट पहनी हूँ चेंज कर कर। अच्छा, फिर तुम खोज ली ये वाला पैंट? हाँ। ओह माय गॉड, वहाँ जे खोज ली तो पहन। अच्छा, ये भी पनीर पनीर है। हाँ, पनीर का ही दूसरा वैरायटी है, एक कढ़ाई पनीर है, एक मलाई पनीर, मलाई का पता नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये दोनों खाइए। तो दोस्तों एक जो है कढ़ाई पनीर है, एक पनीर बटर मसाला है। तो मैंने दोनों को टेस्ट किया, तो टेस्ट अच्छा ही है, क्वांटिटी थोड़ा कम है। कढ़ाई पनीर मसाला अच्छा ज़्यादा है। और पनीर से ज़्यादा कौन ज़्यादा अच्छा लगा तुमको? हमको ये वाला। कौन सा? कढ़ाई पनीर मसाला। तो दोस्तों कढ़ाई पनीर मसाला प्रज्ञा को ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मुझे तो दोनों का टेस्ट अच्छा। तुमको कौन सा अच्छा लगा? मुझे टेस्टी लगा। टेस्टी लगा? बेटी को भी टेस्टी लगा है। इसका पनीर सॉफ्ट है, ऐसे पनीर करा रहता है। मैं तो खाई। जिस रेस्टोरेंट से मैंने मंगाया वो है ढाबा सावा। ठीक है दोस्तों, तो रिव्यू ठीक ठाक है, खाना टेस्टी है। हाँ, क्वांटिटी कम है, बट प्राइस भी थोड़ा लो था इसका। तो रेटिंग बहुत ही अच्छा था जोमेटो पे, और ये बेंगलोर में है, तो आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हो, सॉरी स्विगी से मैंने ऑर्डर किया था, तो स्विगी पे ट्राई कर सकते हो खाना, लेकिन टेस्टी है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू। चावल में और अच्छा लगा। और बेटी का भी रिव्यू थोड़ा ले लेता हूँ। लगा टेस्टी? लगा ना? अच्छा, तीता है ठीक। दोस्तों घर की रोटी और बाहर का सब्जी का लुत्फ उठा लिया, सब्जी रियली टेस्टी था। ढाबा सावा नाम है रेस्टोरेंट का, रेटिंग अच्छा है, बेंगलोर में है, तो अगर आप लोग बेंगलोर में रहते हो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी थोड़ा हाफ प्लेट था, इसलिए क्वांटिटी कम था, फुल प्लेट में और ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।